हेलो फ्रेंड्स, आरजेपीएस न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन आवाज़ निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या उसके लिए शक्कर लगती है, क्या उसके लिए चाय पत्ती लगती है, क्या क्या लगता है, ऐसा कुछ में लगता भाई साहब उसके लिए लगती है एक आत्मा से निकली हुई आवाज़, उसके साथ वाइब्रेशंस, उसके साथ वो मधुरता जो दिल से वो गाते हैं। हर एक गीत को, हर एक शब्द को उन्होंने गाया है, अपनी आत्मा को उसने पिरो दिया है। तो इस तरह से उनकी वो पर्सनैलिटी से मैच होने वाली उनकी आवाज़ बेहद ही संजीदा, बेहद ही दर्द भरी, बेहद ही कलात्मक तरीके से वो बनी हुई है। तो हमारी क्यों नहीं है, हमारी क्यों नहीं भाई साहब, क्योंकि हमने कभी वो प्रैक्टिस नहीं की वाइब्रेशंस वाली। तो क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, तो वो है आ और हा। आ सिर्फ यहाँ से आएगी, आ जो साधारण लेवल के बिना प्रैक्टिस वाले सिंगर है वो किस तरह से गाएंगे, आ ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल सिंगर है तो वो पेट से हवा वाला फार्मूला लाएंगे, तो वो आपको जोड़ना है, इस गले से लेके पेट तक की हवा को जोड़ना है, यही आपका रहस्य हो जाएगा भाई। अच्छा भी है वो वाइब्रेशंस आवाज़ में होने की, और बिना वाइब्रेशंस के कोई भी गीत मज़ेदार नहीं लगता है, कोई गूंज नहीं उठती है, कोई मधुरता नहीं होती है। तो आ जब गाएंगे तो वो यहाँ से आएगा, और हा जब गाएंगे तो वो पेट से हवा निकलेगी ऊपर तक, वो जुड़ेगी। तो आ और हा को आपको कमांड में लाना सबसे पहले, यही वो हमारी रहस्यमय टीम पूरी तरह से आपके लिए काम कर रही है भैया। तभी जाके देखिए प्रैक्टिस का मामला है, बिना प्रैक्टिस से ये भी हंसी भी नहीं निकलती है। तो इस तरह से वो होता है। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं जिंदगी का, मैं जिन जिन, ये भी शब्दों की हेरफेर है, मैं जिंदगी जिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको हमारे एपिसोड बस रेगुलर देखते रहिए, उसमें क्या क्या खूबियां, क्या क्या बारीकियां हैं, अब के सामने पेश कर देंगे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुए में उड़ा, ना 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 ना। तो इस तरह से वो मधुरता आनी ज़रूरी है आपकी आवाज़ में। आप हो सकता है कोई कारणों की वजह से आपने कोई परीक्षा नहीं दी है संगीत के बारे में, कोई अपने वो नॉलेज नहीं लिया, कोई बात नहीं भैया, हमारे साथ जुड़े रहिए। बस वो प्रैक्टिस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप बस गाने शुरू कर देंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर बिक्र को धुए में उड़ा, जो खो गया है उसको भुलाता चला गया। तो इस तरह से वो आता है। तो हम नए टिप्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।